मनीष शर्मा, खबरों में बात सबसे पहले कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। सीएम आज भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम सुबह 10:15 का वक्त है जब जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना होंगे। सीएम भरतपुर में करीब 750 करोड़ की लागत से कराए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ सरकार के 4 साल पूरा होने पर सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम गहलोत सीधे ट्रैफिक चौराहे स्थित महाराजा सूरजमल स्मारक जाएंगे, जहां वो भरतपुर के संस्थापक महाराजा सूरजमल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद वो कॉलेज ग्राउंड पहुंचेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आयोजित किसान सभा में शिरकत करेंगे। सीएम के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, पीसीसी चीफ डोटासरा, पुष्पेंद्र सिंह, सुभाष गर्ग समेत कई मंत्री करेंगे यहां पर शिरकत। इस किसान सभा में हजारों की संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण खबर सीएम के दौरे से जुड़ी हुई, जहां वो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे, विकास कार्यों को लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास भी किया जाएगा। सहयोगी देवेंद्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेंद्र, पूरा कार्यक्रम बताएं आज मुख्यमंत्री का। देखिए, मुख्यमंत्री का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो ये है कि 10:15 मुख्यमंत्री बाई हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ान भरेंगे और वो लगभग 11 बजे पुलिस परेड ग्राउंड में जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ उतरेंगे। उसके बाद सीधे जो महाराजा सूरजमल का स्मारक है ट्रैफिक चौराहे पर, वहाँ महाराजा सूरजमल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद कॉलेज ग्राउंड जहाँ पर किसान सभा है और जो विकास प्रदर्शनी लगाएगी उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद किसान सभा में शिरकत करके किसान सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में जो आरएलडी के जो प्रमुख है, आरएलडी के अध्यक्ष है जयंत चौधरी, वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट, वर्तमान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, विश्वेंद्र सिंह, तमाम मंत्री वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसके अलावा जो पूर्व गवर्नर है सत्यपाल मलिक, वो इस किसान सभा में शामिल होने के लिए देर शाम पहुंच गए हैं। साथ नेता निर्मल चौधरी की पहुंचने की खबर है कि वो भी इसमें शामिल होंगे। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, एक बड़ी किसान सभा आयोजित की जा रही है। बड़ी बात यह कि अब जिस तरह के आयोजकों के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि किसान सभा में सभी दलों के लोग शामिल होंगे, कितनी संख्या में क्या मैसेज देने की कोशिश है और किस तरह की गठबंधन की राजनीति प्रदेश में या पूर्व राजस्थान में कांग्रेस और आरएनडी लेकर चलने जा रही है। क्योंकि आरएनडी का ये मानना है कि जनता दल सरकार में, जिस तरीके से जब प्रदेश में जनता दल की सरकार हुआ करती थी 1977 में, जब चौधरी चरण सिंह के को याद करने के बहाने उनकी 120वीं जयंती है, उसके बहाने जो मतदाता उनको साधने की कोशिश है जाट सीटों पर, और खास तौर से इस गठबंधन को लेकर एक नई रूपरेखा इस पूरी किसान सभा में तैयार होगी। जो किसान नेता है वो भी आएंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो भीम पार्टी के, उनको भी बुलाया गया है। जी शुक्रिया देवेंद्र आपको तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट होकर फिर से आपके पास लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद।